तो हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस मोटिवेशन। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ किर्गिस्तान में। मैंने अपना फर्स्ट वीडियो 4-5 महीने पहले जब इंडिया में था तो डाला था, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, चलते हैं बाहर थोड़ा कॉलेज साइड घूमने, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ और इसी बीच कुछ बातें भी आपसे हो जाएंगी। एक्चुअली 4 महीने पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो एडमिशन से रिगार्डिंग था कि फ़ीस वगैरह कितनी है, या फिर उसी के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बात करते हुए चलेंगे और घूमते हुए फिर आ जाएंगे। और अभी एक्चुअली मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा हूँ, कॉलेज के फ्लैट में रह रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं अपना फ्लैट भी दिखा देता हूँ एंड फिर चलते हैं कॉलेज साइड, थोड़ा घूम के आते हैं। और जो दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ये पार्ट वन है, पार्ट टू में मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इन 4-5 महीनों के बीचों में बहुत सारे कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको बता दूंगा पार्ट टू में। लेकिन अभी थोड़ा फ्लैट आपको दिखाता हूँ, फिर चलते हैं अपने एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा हो गया फ्लैट, देखिए। और ये देखिए, एक ये थक हार के आके सो रहे हैं। और ये हमारा फ्लैट हो गया, एंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ का जैसे वॉशरूम ऐसा होता है ना, ये वॉशिंग मशीन वगैरह है, अटैच टॉयलेट और नहाने का सब इधर सीन होता है। और ये हमारा हो गया किचन, थोड़ा अंधेरा है तो हम लाइट ऑन कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो होता है किर्गिस्तान में, ऐसा अगर आप फ्लैट लेते हैं तो किचन ऐसा होता है। सो ये हमारा किचन हो गया, और वो जो दिख रहा है वो आपको गैस का है, उसमें कनेक्शन रहता है। गैस आपको सिलेंडर जैसे लाते हैं इंडिया में, वैसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है, फ्रिज भी मिलता है साथ में। एंड ये हो गया अपना फ्लैट। सो आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम हो गया। सो चलिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं कॉलेज साइड, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर आपसे बातें भी करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो हम रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं हम लोग कॉलेज के लिए फ्लैट से। एंड ये हम निकल गए फ्लैट से, ये देखिए हमारे फ्लैट के बाहर का नज़ारा देखिए। एंड अभी हम चलते हैं कॉलेज साइड एंड फिर आपसे मिलते हैं मेन रोड पे, फिर आपसे बातें करते हैं दोस्तों। तो अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम अपने कॉलेज साइड पे, एंड आपको आज हम टूर कराएंगे कॉलेज का। अभी ठंडा बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, एक्चुअली अभी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। सो हम आपसे आज बातें करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आपको एडमिशन अपना लेना है किर्गिस्तान में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, कोई कंसल्टेंसी ऑफिस में जाना है, पहले उसको वेरीफाई करना है कि वो एडमिशन कराते हैं या नहीं, उसके बाद फिर उनसे एडमिशन लेना है। एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, सो मैं इसलिए हो सकता है कि मेरा आवाज़ ना जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो अगर आपसे बात करता है तो आपको एक्चुअल जो यहाँ का चीज़ है वो सब चीज़ आपको बता देगा कि कैसे क्या करना होता है। हो सकता है कि कहीं आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, या हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, ताकि आपको वो सब कुछ समझा सके एक्चुअल में कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या रहता है, क्या सीन है यहाँ का। तो आप पहले किसी स्टूडेंट को ढूंढें तो आपके लिए बेटर होगा। हाँ, बहुत सारे कंसल्ट हैं जो मतलब एडमिशन करवाते हैं अब्रॉड में, बट आप कोशिश करें कि स्टूडेंट से करवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो देखिए कि कहीं भी पेड़ पे पत्ता नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले स्नो हो रहा था, तो स्नो के टाइम पे पेड़ पे पत्तियाँ नहीं रहती हैं यहाँ पे, ऐसे ही दिखता है जंगल। लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम है, हवा बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर एडमिशन लेना होगा तो एडमिशन लेने के लिए आपके पास होना चाहिए 10th 12th का मार्कशीट, एंड आपके पास होना चाहिए नीट क्वालिफाई स्कोर कार्ड एंड आपका पासपोर्ट। इतना इनफ है यहाँ एडमिशन लेने के लिए। आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के थ्रू, या फिर अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा कंसल्टेंसी है जो एडमिशन करवाता है, तो आप उनसे भी एडमिशन अपना करवा सकते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं कॉलेज वाले रूट में जो फ्रंट साइड है। सो ये दृश्य भाई के से हाय ब्लॉगिंग से हाय मी भाई मोए निशो हेलो 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 इन दिस की गाइस ब्लॉगिंग यूट्यूब यूट्यूब
अभी हम लोग आ चुके हैं ना कॉलेज वाले रूट में, तो उसके बाद गाइस आप लोग का जो सेकंड स्टेप होता है कि जब आप एडमिशन अप्लाई कर दें उसके बाद वेट करें, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता करना नहीं होता है, जो भी आपका एडमिशन करवाएगा वो आपका सारा ए टू जेड काम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कुछ पैसे भी ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आपके लिए कोई कुछ काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपसे कमीशन ज़रूर लेगा। हालांकि आप पहले ही उनसे बात कर लें, क्लियर कर लें कि भैया अगर कॉलेज की फ़ीस इतनी है तो आप मेरे से कितना लोगे या फिर कितने पे कॉन्ट्रैक्ट आप उससे करते हैं, ये आप बातें क्लियर कर लें उनसे। एंड उसके बाद बातें आती हैं कि क्या क्या ले जाना है इंडिया से, तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बहुत सारा जैसे बुक वगैरह हो गया, बुक वगैरह वो आपको इंडिया से लेके ही आना होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बुक तो मिलेंगे नहीं, और यहाँ मिलेगा भी अगर मंगाएंगे भी कहीं से तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए आप इंडिया से लेके आएँ। शूज़ वगैरह कुछ लेके आ जाएँ, कुछ कपड़े लेके आ जाएँ, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ यहाँ लेके आएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो ये सब सामान आपको कैरी करना होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अगर हॉस्टल से आउटसाइड में रहने वाले हैं तो देन आप जैसे कुछ जो इंडियन क्लोथ्स होते हैं वो आप कैरी कर सकते हैं, आप जैकेट कैरी कर सकते हैं, आप प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलता है वो आप कैरी कर सकते हैं, नेल कटर ले सकते हैं, तो छोटी छोटी कुछ सामान होते हैं जो आपको कैरी करना होता है। तो अभी आपको दिखा दें कि हम कॉलेज के सामने वाले रूट में, सामने में अपना यूनिवर्सिटी है, सो अभी हम फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं नियर अबाउट कॉलेज के पास, तो हम अभी आपको दिखाएंगे जो हमारा कॉलेज है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, और बहुत ही प्यारा जगह आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा जगह है जहाँ कॉलेज है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल से भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बेहिचक किर्गिस्तान आ सकते हैं जहाँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट हो आपका, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आप कंफर्ट है जाने के लिए तो आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स मैं हमने आपको बता दिया कि एडमिशन आपको कैसे लेना है, एडमिशन आप स्टूडेंट से, कंसल्ट से, किसी से भी ले सकते हैं, बस अपना फीस क्लियर कर लें। और दो प्रोग्राम चलते हैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में, एक फिफ्थ ईयर कोर्स, एक सिक्स्थ ईयर कोर्स, दोनों सेफ है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि जो सिक्स्थ ईयर कोर्स है उसका जो फीस है वो फर्स्ट ईयर का जो पैकेज होता है वो है आपका $5,000, ठीक है, उसमें फीस हॉस्टल एनीथिंग वेल्स सब ऐड है, ठीक है। और जो फिफ्थ ईयर कोर्स होता है उसका $5,800 है, है ना, तो यही है जो आपका फीस है, स्ट्रक्चर है दोनों का, है ना। बाकी सेकेंड ईयर से आपको जो फिफ्थ ईयर का है वो $3,200 देना होता है, और जो सिक्स्थ ईयर का है उसमें जो है $2,100 देना होता है। तो हम आपको ये क्लियर कर देंगे, एक और वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट, उसमें मैं अपने रूम पे रह के बना दूंगा। एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, ठंडा भी काफ़ी है। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, आ गए हम ये एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं अपने कॉलेज के सामने, एक्चुअली अभी गेट बंद हो गया, बाहर अंदर जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाके आपको हर एक चीज़ दिखाता, लेकिन एक दिन में एक वीडियो बना के डालूंगा प्रॉपर हॉस्टल से लेके और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके सब कुछ आपको बना के डालूंगा। वैसे एक मैं दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसके से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली ठंडा बहुत ज़्यादा है और मुझे ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए अभी के लिए समाप्त करते हैं ब्लॉग को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें हम आपको हर एक चीज समझा देंगे। सो बाय बाय।